मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार का एक साल का कार्यकाल 13 दिसंबर को पूरा हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी इस एक साल को स्वर्णिम कार्यकाल बताकर अपनी पीठ खुद ही थपथपा रही है, तो दूसरी तरफ यहां पर मोहन सरकार को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस इसे विफलताओं से भरा साल करार देकर सरकार पर आरोप लगा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक साल के कार्यकाल पर संतोष जताते हुए कहा कि सरकार ने गरीब, किसान, युवा, महिलाओं और सभी वर्ग के लोगों के लिए काफी कार्य किए हैं। उन्होंने सिंचाई परियोजना, रोजगार, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी सहित कई योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योजनाओं को आगे बढ़ाया है। इसके अलावा 26 जनवरी तक सरकार मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान भी चला रही है, जिसके तहत 70 योजनाओं का लाभ लोगों को निःशुल्क दिया जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद हमारे सरकार के गठन के साथ जो जवाबदारी दी, मैं आभार भी मानता हूं। और ये पार्टी की ताकत है, हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत है और जनता और भाजपा का परस्पर संबंध है। इसी का परिणाम है कि आज हम पुनः एक यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त सरकार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जनहितैषी कल्याणकारी योजनाओं को लेकर लगातार बढ़ते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से जनता आज यहाँ पार्टी कार्यालय में हमारे आदर्श डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की माला प्रतिमा पे माल्यार्पण करके हमने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है और उम्मीद की है उनके मार्ग पर हमारी सरकार पूरी ताकत के साथ लगातार चलती रहेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई।